गिलान सुत। तथागत भगवान बुद्ध जी ने बताया, पुण्यान भिक्षु, इस दुनिया में तीन प्रकार के रोगी है। कितने प्रकार के रोगी लोग हैं? तीन प्रकार के रोगी हैं। वो तीन कौन हैं? कोई कोई रोगी लोग हैं, बीमारी लोग हैं, उन लोगों का बीमार के लिए, बीमार ठीक होने वाले भोजन मिल गया तब भी, बीमार को ठीक कराने वाले भोजन नहीं मिला तब भी, और बीमार के लिए दवा मिल गया तब भी, बीमार के लिए दवा नहीं मिल गया तब भी, बीमार के लिए कोई सेवा करने वाले आदमी मिल गया तब भी, सेवा करने वाले आदमी नहीं मिला तब भी, वो सुखी नहीं होता है। बीमार उसका ठीक नहीं होता है वो पहला आदमी। ऐसा है तो कितना प्रकार की इलाज चाहिए? एक है, उसको चाहिए, कोई बीमार आ गया तो उस बीमार ठीक कराने वाले भोजन लेना पड़ेगा ना। दूसरा, दवा भी लेना पड़ेगा। तीसरा, कोई सेवा भी करना पड़ेगा। ऐसा है तो पहला कारण है, उसी प्रकार भोजन मिला या नहीं मिला था भी, उसी प्रकार दवा मिला या नहीं मिला था भी, उसी प्रकार सेवा करने वाले व्यक्ति मिला या नहीं मिला था भी, ठीक होता है वो नहीं होता है, वो पहला है। दूसरा है, और कोई रोगी लोग हैं, उन लोगों को बीमार ठीक होने वाले भोजन मिल गया तब भी, नहीं मिल गया तब भी, और बीमार ठीक करने वाले दवा मिला या नहीं मिल गया तब भी, और सेवा करने वाले कोई उपस्थायक मिला या नहीं मिल गया तब भी, उसका बीमार ठीक होता है। पहला कौन था? भोजन, दवा और सेवा करने वाला मिला या नहीं मिला था भी ठीक नहीं होता है, सुखी नहीं होता है। दूसरा आदमी कौन है? भोजन, दवा और सेवा करने वाला मिला या नहीं मिला था भी बीमार ठीक हो जाता है, उसको दवा खाना नहीं खाना कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा आदमी है, उसको उसी बीमार के लिए भोजन सिर्फ मिल गया तो, उसी बीमार के लिए दवा मिल गया तो, उसी बीमार के लिए कोई सेवा करेगा तो सिर्फ ठीक होता है, नहीं मिला तो नहीं होता है। तीसरा कौन सी आदमी है? जिसको बीमार ठीक करने वाले भोजन चाहिए, बीमार ठीक करने वाले दवा चाहिए, उसको सेवा भी करना चाहिए, तब वो सुखी हो जाता है, ठीक होता है। भगवान बुद्ध ने बताया, ये तीनों में से सेवा करना चाहिए तीसरी वाली रोगी को कौन सा है? उसको सिर्फ भोजन, बीमार ठीक करने वाले भोजन चाहिए हमेशा, और दवा भी चाहिए, सेवा भी चाहिए, उसको सेवा करने के लिए भगवान बुद्ध ने बताया, बाकी दोनों को नहीं, उसको सेवा ज़रूरत है। रोगी लोग भी उसको सेवा करना चाहिए, क्योंकि उसको सेवा का ज़रूरत है, क्योंकि सेवा मिलने पर वो ठीक हो जाता है। ये हैं दुनिया में देखने वाले तीन प्रकार की रोगी। तो भगवान बुद्ध ने बताया, उसी प्रकार ही तीन प्रकार के लोग हैं दुनिया में। कितने प्रकार की? तीन प्रकार के लोग हैं। और कोई कोई लोग हैं, उन लोग को तथागत भगवान बुद्ध की दर्शन मिला या नहीं मिला था भी,
तथागत भगवान बुद्ध की उपदेश सुनाया नहीं सुनाता भी। वो निर्वाण की मार्ग पे उसको नहीं बढ़ सकता है। उसको तथागत भगवान बुद्ध मुलाकात हो गया था भी, नहीं मुलाकात हो गया था भी, तथागत भगवान बुद्ध का उपदेश वो सुन लिया था भी, नहीं सुन लिया था भी, वो धर्म के रास्ता बढ़ेगा? एक बूंदा नहीं बढ़ेगा। दूसरा आदमी है, उसको तथागत भगवान बुद्ध का उपदेश मिल गया था भी, नहीं मिल गया था भी, तथागत भगवान बुद्ध की मुलाकात हुआ था भी, नहीं हुआ था भी, तथागत भगवान बुद्ध की उपदेश मिल गया था भी, नहीं मिल गया था भी, वो निर्वाण की रास्ता पे जाता है, कुशल मार्ग को प्रयास करने का मार्ग पे आ जाता है। कैसे? ऐसे पच्चे के बुद्ध को भगवान बुद्ध मुलाकात होता है, भगवान बुद्ध धर्म मिलता है? नहीं है। ऐसे लोगों को भगवान बुद्ध धर्म मिल गया था भी, नहीं मिल गया था भी, निर्वाण की रास्ता पे जाता है। तीसरे प्रकार के लोग हैं, वो सिर्फ भगवान बुद्ध की मुलाकात हो गया तो, भगवान बुद्ध की उपदेश सुन लिया तो निर्वाण की रास्ता पे जाता है, नहीं तो नहीं। तथागत भगवान बुद्ध ने बताया, जहाँ एक आदमी है उसको तथागत भगवान बुद्ध की जरूरत है, तथागत भगवान बुद्ध के उपदेश का जरूरत है, उसी आदमी के लिए तथागत भगवान बुद्ध 84,000 प्रवचन दिया है, उसी आदमी के लिए सारे उपदेश दिया है, उसी आदमी को ये धर्म है, बाकी लोगों को नहीं। ये हैं तीन प्रकार के रोगी को उपमा किए गए, तीन प्रकार की पुद्गल, तीन प्रकार की आदमी। समझ गया है? रोगी भी तीन प्रकार का है। पहला रोगी कैसा है? उसको खान अच्छा बीमार ठीक करने वाले भोजन, दवा, सेवा मिल गया था भी, नहीं मिल गया था भी, वो बीमार से ठीक नहीं होता है। दूसरा आदमी है, उसको भोजन, दवा, सेवा मिला तब भी, नहीं मिला तब भी, वो ठीक हो जाता है। ऐसे भी होता है ना, कोई कोई लोग हैं बीमार पड़ता है, जैसे तैसे रहता ठीक हो जाता है, दवा खा गया तब भी ठीक होता है, नहीं तब भी ठीक होता है। तीसरे प्रकार के कौन है? उसको सिर्फ भोजन चाहिए बीमार ठीक करने वाले, जरूर उसको चाहिए दवा, जरूर उसको चाहिए सेवा, तब ठीक होता है। उसी को सेवा करने के लिए बताया। आप देखिए किसको सेवा करने के लिए बताया। वैसे ही आदमी लोग तीन प्रकार के हैं, है ना? कैसा? पहला कौन है? भगवान बुद्ध की मुलाकात हुआ तब भी, नहीं तब भी, भगवान बुद्ध की धर्म विनय मुलाकात हो गया तब भी, नहीं तब भी, उसको निर्वाण की रास्ता पे नहीं जा सकता है। दूसरा कौन नहीं? तथागत की मुलाकात हो गया तब भी, नहीं हुआ तब भी, उनकी धर्म विनय मुलाकात हो गया तब भी, नहीं तब भी, वो निर्वाण की रास्ता पे जाता है, मार्ग संपूर्ण करता है। तीसरा प्रकार की कौन नहीं? सिर्फ भगवान बुद्ध की मुलाकात हो गया तो, सिर्फ धर्म विनय सुन लिया तो निर्वाण की मार्ग संपूर्ण करता है, नहीं तो नहीं, उनको उपदेश देना चाहिए। साथ, साथ।